हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट अस सी। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वॉज हिज टोटल एट द एंड। कि क्विज के अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं सही जवाब के लिए और गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। अगर जैक का स्कोर 5 राउंड के अंदर ये रहा हो 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो बताना है एंड में जैक को कितने मार्क्स मिले। ओके, लेट अस डू। एंड बिफोर डूइंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्रेसिंग द बेल आइकन सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज द वीडियो इज बीइंग अपलोडेड इन द यूट्यूब। ओके, और अब ये करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ बताना चाहूँगा। इसका बेसिक है, इंटीजर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर साइन, दो नंबर अगर है तो यहाँ पर सेकंड नंबर साइन। व्हाट विल बी, क्या होगा, और फिर साइन कौन सा आएगा, ये चार चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है इंटीजर्स तो क्या होगा, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, एडिशन होगी। साइन माइनस, देखो तो उसमें तो छोटी वैल्यू में दोनों की ही माइनस साइन है तो उसमें साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमने क्या लिया, -3 लिया, -4 लिया, दोनों का साइन माइनस है तो एडिशन होगी, साइन माइनस का ही आएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब क्या होगा, व्हाट विल बी। डिफरेंट साइन के केस में सब्ट्रैक्शन होगी और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। इसके लिए अगर हमें एग्जांपल्स लें, जैसे -3 ले लिया, +4 ले लिया, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन करने पर निशान ये 1 आया। अब निशान किसका आएगा, बड़ी वैल्यू 4 है दोनों में, 4 और 3 में कौन बड़ी वैल्यू है, 4, तो इसके साथ प्लस का निशान आएगा जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये होता 3-4, ऐसे होता तो फिर इसका आंसर क्या होता, डिफरेंट साइन है, कुछ भी निशान नहीं, यानी कि प्लस का निशान है यहाँ पर कोई निशान। अब डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 आएगा, दोनों में 3 और 4 में बड़ा 4 है तो निशान माइनस का आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सम को सोल्व करते वक्त। ओके, अब नेक्स्ट केस है कि दोनों ही प्लस के हो, सेम साइन हो गए, सेम साइन के अंदर एडिशन होगी, साइन ग्रेटर वैल्यू का कह लीजिए, या फिर दोनों ही प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। मैं तो ये स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ग्रेटर वैल्यू का दिमाग में रखो, दोनों माइनस के है तो माइनस का ही निशान आएगा, चाहे ग्रेटर कोई भी हो, चाहे ग्रेटर का केस आप वैसे भी ले सकते हैं कि अगर डिफरेंट साइन हो तब कि साइन किसका आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें यहाँ पर हम 4+3,
सेवन होगा, दोनों ही प्लस के है तो आंसर भी प्लस का ही आया। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ अच्छे से समझिएगा और फिर आप इंटीजर्स चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। सॉल्यूशन, जैक स्कोर जो उसको मिले हैं वो लिख लेते हैं। पहले पॉजिटिव 25, फिर माइनस 5, जैसे है वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि एडिशन करनी है ना, एडिशन के केस में जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही कर देते हैं। अगर फिर भी आप समझना चाहें अच्छे से तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं। प्लस माइनस 10, प्लस 15, प्लस 10, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है इसलिए निशान नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में आपको कहा जाता है जब बहुत सारी वैल्यू हो तो पॉजिटिव वाली एक तरफ कर लो, नेगेटिव वाली एक तरफ कर लो। तो पॉजिटिव वाली ये है, ये है और ये है। 25 प्लस 15 प्लस 10, नेगेटिव वाली वो सारी एक तरफ कर लेंगे। माइनस 5 माइनस 10, तो इन सबको प्लस करें तो कितना आएगा, 0, 5, 5, 5, 10, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 50, 5 और 10 दोनों सेम साइन है तो एडिशन होगी, माइनस 15, तो हमारा आंसर आता है 35। यानी कि जैक का स्कोर क्या हुआ, 35 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।